पल्लवी, पल्लवी प्लीज, पल्लवी प्लीज एक बार मेरा बात सुनो, पल्लवी प्लीज एक बार मेरा बात सुनो। हाथ हाथ नहीं लगाना मुझे। पल्लवी प्लीज एक बार मेरा बात सुनो, पल्लवी प्लीज। क्या सुनो राघव, क्या सुनो? इस बात की भी कोई सफाई हो सकती है? इतना भरोसा किया तुम पर, खुद से ज्यादा प्यार किया तुमसे, और एक झटके में तुमने सब कुछ खत्म कर दिया। बेवकूफ थी मैं जो ये सोच रही थी कि राघव राव की जान हूं मैं। मेरा एक नाखून भी ज्यादा टूट जाता तो पागलों की तरह पूरा घर सर पे उठा लेते थे तुम। और ये हरकत करते हुए, उसे तोड़ते हुए जरा से भी तकलीफ नहीं हुई तुम्हें? तुम्हारा प्यार, तुम्हारी परवाह, हमारी शादी, हमारा भरोसा और तुम्हारे वो सारे वादे, वो सब झूठ था राघव। एक बार उस रात अपने कदम आगे बढ़ाते हुए एक बार तुम्हें मेरी याद नहीं आई, मेरा ख्याल नहीं आया तुम्हें, एक झटके में सब भूल गए तो मेरा प्यार इतना कमजोर था कि तुम्हें रोक नहीं पाया राघव। अभी गुस्सा, मैं नशे में था, वो नशे में, पता नहीं क्या हो गया। इससे तुमने मुझसे किया हुआ वादा तोड़ा, फिर मुझसे झूठ बोला, फिर से बातें छुपाई। पल्लवी, पल्लवी प्लीज, मैं जानता मेरे से बहुत बड़ा गलती हो गया, I'm sorry पल्लवी। तुम मेरे को मारना है मार लो, मेरे को डांटना है डांट लो, मेरे को चिल्लाना है चिल्ला लो, मेरे को जो सजा देना है दे दो पल्लवी, प्लीज मेरे को छोड़ के मत जाओ पल्लवी। मैं पूरा जिंदगी तुम जो सजा देगा भुगतने के लिए तैयार है, छोड़ के मत जाओ पल्लवी। तुम जैसा कहेगा मैं वैसा ही करेगा पल्लवी, प्लीज पल्लवी, तुम्हारे सामने हाथ जोड़ रहा पल्लवी, प्लीज मेरे को छोड़ के मत जाओ। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, मर जाऊंगा मैं, प्लीज पल्लवी। पल्लवी तो मर गई राघव, उस रात ही तुमने पल्लवी को मार दिया। नहीं रह सकती अब मैं यहां, तुम्हारा चेहरा, तुम्हारी बातें, तुम्हारा मुझे छूना, ये घर, हमारा कमरा, सब कुछ खत्म कर दिया तुमने। घृणा रही है मुझे तुमसे, एक अजनबी हो तुम। मेरा राघव तो उस रात ही खो गया जब ये धोखेबाज राघव ईशा की तरफ बढ़ा था। मैं किसी अजनबी के साथ नहीं रह सकती, पल्लवी, उस इंसान के साथ नहीं रह सकती जिसने मेरे विश्वास को, मेरे प्यार को, मेरी हर पवित्र चीज को मैला कर दिया। बहुत कुछ सहा है राघव मैंने अपनी लाइफ में, पर कभी इतना नहीं टूटी। जब मंदार की मौत हुई थी तब भी नहीं, जब भरी महफिल में तुमने मेरे कैरेक्टर पर उंगली उठाई थी तब भी नहीं, जब बाबा ने मुझे घर से निकाला था तब भी नहीं, जितना आज तुमने मुझे तोड़ दिया। अपने हाथों से रिश्ते का गला घोट दिया तुमने राघव, और जब इस रिश्ते में जान ही नहीं बची तो फिर मैं उसे निभाऊं क्यों? पल्लवी, पल्लवी प्लीज जरा बात सुनो, हाथ जोड़ो मेरा। कहाँ जा रहे हो तुम, क्यों रोक रहे हो उसे? जब उसे तुम्हारे साथ नहीं रहना है तो क्यों उसके साथ जबरदस्ती कर रहे हो? Shut up, just shut up and get lost. I love my wife. गलती से भी मेरे और मेरे वाइफ के बीच में आने का कोशिश किया ना,
तो तुम वो राघव देखेगा जिसके बारे में तुम अपने सपने में भी सोचा नहीं होगा। हाथ जोड़ो। राघव! पल्लवी! सर, सर मैडम तो जल्दबाजी में कहीं चली गई हैं, उन्होंने ये दिया है आपके लिए। जय देव जय मंगल मूर्ति, दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ति, जय देव गणपति बाप्पा मोरिया। आई, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? ये आप क्या कर रही है? सुलोचना, ये तुम्हारी सू वाली बिंदी उल्टी लगी है तो तुम भी हरकतें उल्टी करने लगी हो? वो गलती से लग गई होगी, बाकी मैं बिल्कुल ठीक हूँ अन्ना। अन्ना, आप काका को कब से अन्ना बुलाने लग गई? वो क्या है ना, आजकल शाम को 5:30 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक सुलोचना ना पूरा टाइम टीवी देखती रहती है, उसी का असर है ना सुलू बेबी। चलिए मुझे ना खाना बनाना है, मैं चलती हूँ। आई, आप खाना बनाओगी? हाँ काका, लगता है आज खाना बाहर से मंगाना पड़ेगा क्योंकि आई के हाथ का जला हुआ खाना कौन खाएगा? क्या हो क्या गया है सुलोचना को? हाँ नहीं, ऐसी ये बेकी बेकी बातें क्यों कर रही है? अच्छा है ना दादा, है ना, इतने सालों बाद ही सही, लेकिन कम से कम सुलोचना को अपनी जिम्मेदारियों का एहसास तो हुआ है कि नहीं? तो इसी बात पे बोलिए गणपति बाप्पा मोरिया। I just hope तुम ठीक हो पल्लवी, तुम सेफ हो। मैं तुमको अकेला नहीं छोड़ सकता, तुम्हारे बिना नहीं रह सकता और मैं तुमको कुछ नहीं होने दे सकता। अपनी लेडी को कहीं देखा है? नहीं। एक्सक्यूज मी सर, अपनी लेडी को कहीं देखा है? नहीं नहीं देखा सर। पल्लवी कहाँ गया? तो आज एक बार फिर मेरी जिंदगी बेरंग हो गई बप्पा। क्यों, मैं ही क्यों? क्या कमी थी मेरे प्यार में? क्या कमी रखी थी मैंने अपने रिश्ते में जो मुझे ये सजा मिली? क्यों बप्पा, आखिर क्यों? मंजूर नहीं है हमको पर किस्मत में यही लिखा है, न जाने कौन से इल्जाम की सजा है। अब क्या करे जब कोशिश सारी हमने कर ली है, शायद इस इश्क की मंजिल पे जुदाई ही लिखी है।
पल्लवी और राघव इतनी रात गए कहाँ गया है? पता नहीं अम्मा, क्या हुआ? अम्मा, अन्ना का कॉल आया था मुझे, वो भाभी को ढूंढने के लिए गए हैं और उन्होंने मुझे भी भाभी को ढूंढने के लिए कहा है। ढूंढने के लिए कहा? जी अम्मा। लेकिन पल्लवी को ढूंढने का क्या जरूरत? पल्लवी गुस्से में निकल के गया था क्या घर से? दोनों के बीच में झगड़ा हुआ था क्या? लगता है पल्लवी को राघव और ईशा का सच पता चल गया है। हो सकता है अम्मा, आई जस्ट होप सब जल्दी नॉर्मल हो जाए। अब फरहत ईशा का है, क्या ईशा भी राघव के साथ गई है? आई हैव नो आइडिया कीर्ति। पर ईशा का इससे क्या मतलब? मेरा जो डर था वो सही निकला, मतलब राघव और पल्लवी की जिंदगी में जो तूफान लेकर आया है वो ईशा इसलिए क्या है? दिखा दिया ना तूने अपना असली चेहरा? अरे मेरे मुंह पे अच्छा बन के मेरे राघव और पल्लवी का घर तोड़ दिया ना तूने? काय को किया ऐसा? काय को किया? क्या आग लगाया तूने मेरे राघव और पल्लवी की जिंदगी में? बोल अम्मा, भी क्या कह रही है? अम्मा मत बोल मेरे को, अम्मा मत बोल। मेरे को अम्मा बोलने का हक सिर्फ पल्लवी, राघव और कीर्ति को है। तू डायन है मेरे लिए जिसने मेरे बेटे का जिंदगी बर्बाद कर दिया है। अरे पहले भी तू ऐसा किया था और अभी भी तूने ऐसा किया। मैं ही पागल था जो तेरा सच्चाई जानते हुए भी मैं तेरे ऊपर ट्रस्ट किया, लेकिन अब और नहीं। मेरे को बता क्या किया तूने ऐसा जो मेरा पल्लवी घर छोड़ के चला गया और मेरे राघव को उसको ढूंढना पड़ा? मैंने कुछ नहीं किया, बिलीव मी। अरे मैं चोर पे विश्वास कर सकता लेकिन तेरे ऊपर नहीं। बोल मेरे को क्या किया तू? छह झगड़े की जड़ उन दोनों के बीच, मेरे को जवाब दे। आंटी मेरे कुछ नहीं किया। झूठ मत बोल, मेरे को बता। अम्मा छोड़ो, अम्मा शांत हो जाओ। अम्मा अम्मा इस लड़की के पीछे टाइम वेस्ट करने में कोई मतलब नहीं है। आप चलिए अम्मा, प्लीज अम्मा प्लीज, आप चलिए। छोड़ेगा नहीं मैं इसको, प्लीज। ये सब खाना आपने बनाया या फिर कोई पास के होटल से मंगाया? नहीं, ये मैंने, मेरा मतलब है मैंने खुद ने अपने हाथों से बनाया है। सुलोचना खाना तो बहुत ही अच्छा बना है, लेकिन एक बात बताओ, इतना अच्छा खाना बनाना तुमने अचानक कहाँ से सीखा? मैंने अपनी अम्मा से सीखा। माँ माँ लेकिन तुम्हारी माँ की डेथ तो तुम्हारे बचपन में हो गई थी ना सुलोचना? माँ की रसोई नाम का एक शो आता है टीवी पर, वो देखकर बनाना सीखा खाना इसने, सुलोचना ने। चलो अच्छा ही है, पूरा दिन टीवी देखने के बहाने आई ने खाना बनाना तो सीख लिया, कुछ तो फायदा हुआ। पल्लवी, 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 तुम ठीक हो? ये कीचड़ कैसे लगा? पल्लवी, पल्लवी, ये क्या है ये सब? क्या? सब कुछ खत्म हो गया, मत। क्या खत्म हो गया पल्लवी? ने हमारी शादी तोड़ दी, सारी कसमें, सारे वादे, सब कुछ तोड़ दिया उसने अमृता। मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा दिया राघव ने मुझे। वो ईशा, आप बैठिए, आप प्लीज बैठिए। कुछ पता चला राघव पल्लवी का? नहीं अम्मा,
फरहाद का फोन आया था, राघव के बारे में कुछ पता नहीं चला है। सनी तुम्हें कुछ पता होगा उन दोनों के बीच में कुछ हुआ है। कम ऑन कीर्ति, मुझे कैसे मालूम होगा, बट आई एम श्योर ये हस्बैंड वाइफ का झगड़ा है थोड़े टाइम में सॉर्ट हो जाएगा। मुझे नहीं लगता इस बार सब इतनी आसानी से सॉर्ट होगा। राघव, 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 कुछ पता चला पल्लवी का? तू तो उसको लेने के लिए गया था ना? क्या हुआ तुम दोनों के बीच में, कहाँ चला गया वो? बोल। पल्लवी मेरे को नहीं मिला अम्मा, सब जगह ढूंढ लिया लेकिन नहीं मिला। ये सब तुम्हारे वजह से हो रहा है। ये चल क्या रहा है दोनों के बीच? शादी के बाद तो इन्होंने आज तक कभी भी एक साथ ऐसे काम नहीं किया है, और आज अचानक ऐसे? मैं भी तो वही देख रही हूँ काका, पर ये दोनों साथ में कितने अच्छे लग रहे हैं ना। पल्लवी, पल्लवी तू इस वक्त यहाँ? और ये सब क्या है बेटा, तू ठीक तो है ना बेटा? पल्लवी तू? हाँ डैड, सब ठीक है। वो एक्चुअली मार्केट में पल्लवी का पैर मुड़ गया था और वो गिर गई थी। मैं घर आ ही रही थी तो मैंने सोचा पल्लवी को भी साथ में ले चलूं। इसके कपड़े बहुत खराब हो गए डैड, मैं इसे ऊपर ले जाकर चेंज कराती हूँ। हेलो राघव, पल्लवी तुम्हारी ये कुछ और साड़ियां हैं, मैं इन्हें कबर्ड में रख देती हूँ। पल्लवी मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं तुमसे क्या कहूँ। इस वक्त कुछ भी कह लूं तुम्हारा दर्द तो नहीं कम कर सकती ना, और जो राघव ने किया है उसके बाद तो मैं सोच भी नहीं सकती कि तुम पर क्या बीत रही होगी। लेकिन पल्लवी मैं इतना जरूर कहूंगी, तुम्हारे हर फैसले में मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। फिर चाहे तुम राघव को मौका देना चाहो तब भी, और उसे सजा देना चाहो तब भी। मौके पर ही तो टिकी थी अमृता मेरी शादी। पहले दिन से मौका देते आ रही हूं उसे, हर बार सुधरने का वादा करता था और रोज उसे तोड़ता था। वो कहते हैं ना, इंसान बदल सकता है लेकिन उसकी फितरत नहीं। साबित कर दिया राघव ने, सिखा दिया उसने मुझे कि कभी किसी को दोबारा मौका नहीं देना चाहिए। दिल टूटने के सिवाय और कुछ हासिल नहीं होता है अमृता। मैंने तय कर लिया है अमृता, मैं राघव के पास वापस कभी नहीं जाऊंगी, कभी नहीं। वो मेरे प्यार के लायक ही नहीं है। पल्लवी, तुमसे नीचे कोई मिलने आया है।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।